जिसको हम आधुनिक योग कहते हैं, वह हठ योग का आसन, प्राणायाम और मुद्रा वाला भाग है। Many people say yoga asana is not yoga at all. It's all neo philosophers who talk on easy chair sitting and giving talks. But in olden days, it was not so. Everybody were made to do asanas, which all the historical background will give you that it was compulsory for everyone. Even out of the subject, I can say, the children were taught Upanayanam at the age of 5 or 7. So even at the age of 5 and 7, when they take the sankalpa, they say asana pranayama. That means take a correct position and do pranayama in order to do the japa of the Gayatri. That means asana and pranayama were there from time immemorial without any deviation or division, whether they follow a karmic path or a gyanic path or a yogic path or a bhakti path. So asana and pranayama was compulsory. Asana, pranayama, everything is there. Even today when they do the puja, the priest says asana pranayama. So it has become now a literary word, but not actual. But in those days, they were actual. They had to do it. आसन शरीर की एक पूर्ण स्थिर स्थिति है, बिल्कुल जड़ मूर्ति की तरह। शरीर में हल्के से हल्का कंपन भी नहीं होना चाहिए। स्थिरता के कारण श्वास इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह रुका हुआ सा जान पड़ता है। ये स्थिति जब प्रयास रहित और आनंददायक हो जाती है तो आसन सिद्ध मान लिया जाता है। आसन सिद्ध होने पर मानव शरीर से ऊपर उठकर अपनी चेतना की शक्तियों को जागृत करने के लिए तैयार होता है। भारतीयों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ये प्रथम सीढ़ी थी। स्थिर चित्त को प्रकृति स्वयं ही अपना ज्ञान प्रकट कर देती है। प्रकृति को जिस सूक्ष्मता से योग ने जाना, उस तक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। केवल इंद्रियों से दिखने वाली ये दृश्यावली प्रकृति नहीं है, स्वयं इंद्रियां प्रकृति है। इंद्रियों के पार चंचल मन प्रकृति है, चंचल मन के पार बुद्धि प्रकृति है, बुद्धि के पार जो स्वयं का अस्तित्व बोध है, अहंकार, वह भी प्रकृति ही है। प्रधान प्रकृति और चेतन तत्व उससे भी परे है। प्रकृति के ज्ञान पर ही आत्मज्ञान निर्भर है। प्रकृति ही कला की प्रेरक है। प्रकृति, ज्ञान और कलाओं के मिलन से जीवन की अनुभूति में जो एक गुणात्मक उछाल आया था, वही भारतीय संस्कृति है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को इस त्रिकोण से समझ सकते हैं। जीवन का सर्वोत्तम बिंदु प्रकृति है। प्रकृति ही रही है ज्ञान और कलाओं की गुरु। परम तत्व ने प्राकृत शरीर धरा तो मानव ने उसको देखा। श्री कृष्ण ने कहा था, मुझे प्रकृति की विभूतियों में देखना। देखोरी सखी नील कमल दल श्याम, ये कविता की उपमा नहीं है, कृष्ण तत्व की प्रकृति में अनुभूति की अभिव्यक्ति है। भारत में कलाएं ज्ञान को समेटे हुए है और ज्ञान ने कलाओं का आश्रय ले रखा है। योग के अनुसार प्रकृति का मूल प्रयोजन है प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए ही वह सुंदरतम रूपों को रचती है। क्या उसके सौंदर्य का भी कोई गणित है, कोई सूत्र है? ये संख्याओं की फिबोनाची श्रृंखला है। इनको फिबोनाची से भी पहले जैन आचार्य हेमचंद्र ने सूत्रबद्ध किया था और उनसे भी पहले गोपाल ने
उनसे पहले विरहंक ने और उनसे भी पहले ऋषि पिंगल ने प्राचीन छंद शास्त्र के संकलन में लिखा है। इन क्रमिक नंबरों में खास बात यह है कि पहली दो संख्याओं को जोड़ने से तीसरी संख्या मिलती है। एक और भी खास बात है इनमें, एक रेखा को इस तरह विभाजित करें कि पूरी लंबाई में बड़े हिस्से का भाग दें या बड़े हिस्से में छोटे का भाग दें, एक ही मान आना चाहिए। इस अनुपात को स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। इन संख्याओं का अनुपात स्वर्णिम अनुपात के बहुत करीब है। आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की सुंदर रचनाओं में भी ये अनुपात और इन संख्याओं का क्रम देखा गया है। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या या सूरजमुखी के वृत्तों की संख्या, सभी सुंदर रचनाओं में इन संख्याओं को देख सकते हैं। पता नहीं कलाकारों को ये ज्ञात था या नहीं, लेकिन मानव निर्मित सुंदर कलाओं में भी ये देखा गया है, इसीलिए इसे सौंदर्य का स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। संगीत के दीर्घ और लघु सुरों में भी ये अनुपात होने से वह मधुर हो जाता है। सुरों के चक्र अर्थात ताल इन संख्याओं का अनुसरण करते हैं। जब वाणी को मात्रा या वर्णों की निश्चित संख्या में बांधा जाता है तो इसको छंद कहा जाता है। छंद लघु और दीर्घ मात्राओं की एक निश्चित संख्या के चक्र हैं। प्राचीन ऋषियों की योगिक दृष्टि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक लय में गतिमान और स्पंदित देखा। उन्होंने जाना कि पदार्थमय जगत भी छंदोबद्ध है। वे पदार्थ को वाक् कहते थे और वाणी को भी वाक् कहते थे। जगत छंदोबद्ध है तो जगत का वैदिक ज्ञान भी छंदोबद्ध है। छंद का मतलब है ढकना। छंदों ने वैदिक ज्ञान को ढक रखा है अर्थात संरक्षित कर रखा है। छंद और लयबद्ध गायन से ही विशाल वैदिक साहित्य की शुद्धता और निरंतरता बनी हुई है। इस तरह कला का आंचल ही भारतीय ज्ञान की निरंतरता है। इतना ही नहीं, कला ने ही भारतीय मस्तिष्क को परम तत्व की अनुभूति कराई थी। सृजन लय है, विसर्जन प्रलय है, दोनों छंदोमय है। ये संसार छंदों के वलयों में गतिमान है। ये शंख हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा नगर में मिले हैं। इन्हें खोलकर क्या देखा गया होगा? रचना और विनाश का एक विस्मयकारी सूत्र। जहां तक परिवर्तन का संबंध है, उसको भी हम भारतीय दृष्टि से समझ लें। स्वयं परिवर्तन शब्द ही ये बता रहा है, परी चारों ओर से वर्तन होना, अर्थात गोलाकार, वर्तुलाकार, रेखाकार नहीं। ये वर्तुलाकार जीवन का स्वरूप शायद उस पक्षी को अच्छी तरह मालूम है जो अपना घोंसला भी वर्तुलाकार बनाता है। उस पक्षी के अंदर एक अंतर्दृष्टि है कि अंडे को भी गोल होना है, इसलिए घोंसले को भी गोल होना है, और इसलिए विकास का क्रम गोल ही है, वर्तुलाकार ही है। लेकिन सर्कुलर होने के साथ साथ प्रकृति में कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए सर्कुलर का ये मतलब नहीं है कि जैसा था वैसा का वैसा दोबारा हो जाएगा। वो गोलाकार होते हुए भी शंखाकार आगे बढ़ता है। ये भी एक गोला है, लेकिन अगला भी एक गोला है, लेकिन ऊंचाई बढ़ गई है उसकी। स्पाइरल गति के अंदर ह्रास भी शामिल है और विकास भी शामिल है। ये परिवर्तन का स्वरूप भारतीय चिंतन का, जिसके लिए हमारे यहाँ चक्र शब्द का प्रयोग हुआ, तो हमारे ऋषियों ने उसको इतना महत्व दिया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के साथ चक्र शब्द, काल चक्र बोलने लगे, हम संसार चक्र बोलने लगे। किसी मान्यता या ईश्वर के प्रति अंधविश्वास ने नहीं, प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन ने वैदिकों को अनंत की और बौद्धों को शून्य की अनुभूति कराई थी।
अनंत या शून्य, जिसे इनमें से एक की भी अनुभूति हो गई, वही योगी हो गया, समाधिस्थ हो गया। पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम वेदों से सीखी है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब वही ज्ञान भारत में लौट कर आता है तो उस ज्ञान का ध्यान खो जाता है। जो आज मेडिकल साइंस बनकर लौटा है, उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान का भी अंश है। आज भी सर्जन राइनोप्लास्टी में उसी विधि का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के 100 से ज्यादा उपकरण लिखे हैं, लेकिन आज चिकित्सा में ध्यान और भाव की भूमिका खो गई। आधुनिकता ने आयुर्वेद से उसका शरीर दर्शन और दृष्टि ही अलग कर दी। योग या सांख्य का शरीर दर्शन, उपनिषदों का शरीर दर्शन, भगवत गीता का शरीर दर्शन, आयुर्वेद का शरीर दर्शन और पुराणों का शरीर दर्शन सब एक ही है और ये हिंदू संस्कृति और धर्म का आधार है। हिंदू औषधीय पौधे को जीव मानते हैं। भारत के वैद्य औषधीय पौधे के पास जाकर उससे निवेदन करते थे कि आपके अंग की रोगी को आवश्यकता है। पौधा करुणा से भरकर अपने अंग में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा भी डाल देता था। लेकिन आज का मानव पौधों को उपभोग की वस्तु समझता है। यही उपभोक्तावादी दृष्टि ज्ञान के प्रति भी है। हिंदुओं के अनुसार ज्ञान का शास्त्र कोई जड़ पुस्तक नहीं है, परंपरा की चेतन प्राण धारा है। ये चरक संहिता शास्त्र है। चरक का अर्थ है घुमक्कड़ सन्यासी। ऐसे घुमक्कड़ हिंदू सन्यासी जो चिकित्सक भी होते थे, उनकी परंपरा अथर्ववेद से चली आ रही थी। आयुर्वेद वेद का ही उपवेद है। वेद में अन्न ब्रह्म है। अन्न से हमारी चेतना बनती है। इसीलिए भारत में भोजन खाओ ये नहीं कहा जाता, भोजन ग्रहण करो ये कहा जाता है। राजस्थान में भोजन का आमंत्रण ये कहकर दिया जाता है कि भोजन आरोगोसा, भोजन से आरोग्य पाया जाता है। आरोगोसा, खाना खाओ ये नहीं कहते। खाना हमारे यहाँ वर्जित है। खाना शब्द का प्रयोग ही ये बहुत गहरा विज्ञान है जो लोगों ने अर्जित किया अपने अनुभवों से। न तो सब्जी काटी जाती है, सब्जी सुधारी जाती है। अब वहाँ हिंसा नहीं है। अगर और आगे बढ़ कर के कहूँ तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप खाओ सा। तो खाना जो है वो दरअसल भक्षण की कैटेगरी में आता है। और हम भक्षी नहीं थे, हम भोक्ता नहीं थे, हम उपभोक्ता थे, ये हम जानते हैं। इतना ही भोजन करना है जिससे हम निरोग रहें और आरोग्य की प्राप्ति करें। आरोग्य की साधना पहली दरअसल जरूरत थी हमारी। हम भोजन चटकारे लेके नहीं खाते थे, हम भोजन आरोग्य निरोग होने के लिए करते थे। हम कैलोरीज नहीं गिनते थे, लेकिन हम ये देखते थे कि क्या चीज़ हमारे लिए पौष्टिक है, क्या चीज़ तृप्ति देती है। बहुत सारी चीज़ें सेवन की जाती थी। अभी सेवन भी दवा का शब्द है, तो खाने की चीज़ें भी सेवन की जाती थी। और विज्ञान इतना प्रबल था, लोग तक पहुंचा हुआ था जड़ों में, कि हम जानते थे कि क्या चीज़ गर्म है, किसकी तासीर गर्म है और किसकी तासीर ठंडी है। आज कोई नहीं जानता आज ठंडा क्या है, गर्म क्या है, ये कोई बताता नहीं है। और इस विज्ञान से वंचित रखा गया है पिछले 70-80-100 सालों से, जब से बल्कि 200 सालों से। वैदिक दृष्टि के अनुसार पौधे और मानव दोनों में एक ही चेतना का प्रकाश है। दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दोनों का जीवन एक दूसरे का संपूरक है। वेद के अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है। इसका अर्थ यह है कि अपने शरीर या किसी एक वस्तु से
पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता है। पतंजलि के सूत्रों में ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत बचे हैं, प्रयोग की निरंतरता टूट गई। भारतीयों ने एक विशाल और परिष्कृत तर्कशास्त्र और गणित विकसित किया था, उसे भूलकर आज का विज्ञान मूलतः ग्रीक ढांचे का अनुसरण करता है। सन 1791 में एक अंग्रेज विद्वान भारत भ्रमण के बाद लिखता है कि भारत के विज्ञान को समझने के लिए भारतीयों के मस्तिष्क को समझना होगा। हिंदू शाश्वत और अचल आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। इस दृष्टिकोण से ही हम उनके ज्ञान को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय ज्ञान के तीन आधार हैं, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और प्रकृति शास्त्र। आज विज्ञान में तर्कशास्त्र के लिए संस्कृत जैसी तार्किक और वैज्ञानिक भाषा नहीं है, धर्मशास्त्र को रिलीजन मानकर भुला दिया गया है और प्रकृति को देखने की दृष्टि खंडित और उपभोग की है। इसलिए ये विश्वास करना कठिन है कि भारतीयों द्वारा कलित पृथ्वी की आयु किसी परिष्कृत विद्या का परिणाम है। इस आकाश में जो जहां दिखता है वो वहां है नहीं। हम इनके उस प्रकाश को देख रहे हैं जो इन्होंने लाखों वर्ष पहले छोड़ा था। जो घटनाएं वहां लाखों वर्ष पहले घट चुकी है उन पर प्रतिबिंबित प्रकाश आज हम देख रहे हैं। हमारी आंखें कभी भी इस ब्रह्मांड के वर्तमान सत्य को छू नहीं सकती, लेकिन योग में चेतना की स्वरूप स्थिति काल से परे कही गई है। उस विकार रहित चेतना की अनुभूति के कारण ही शायद वे समय की विशालता को जानते थे। ये जो बोला जा रहा है उसमें उसी विशालता की झलक मिलती है। पृथ्वी की वैज्ञानिक आयु जितना ब्रह्मा का एक दिन, उस दिन का विभाजन कई कल्प और कई मन्वंतर और कई युगों में। इस समय श्वेत वाराह कल्प का वैवस्त मन्वंतर चल रहा है। वैवस्त मन्वंतर में कई चतुर्युगी हैं। हम इस समय वैवस्त मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में रह रहे हैं। हम तो जब भी कोई कार्य शुरू करते थे तो हम सीधे के सीधे अपने को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ते थे। ओम विष्णु 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 अद्य परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथे भारतवर्षे समझे अमुक प्रांते अमुक जनपदे गौतम गोत्रोत्पन्नोहम राजेंद्र मिश्र सर्वाहम निज कल्याण एतत् करोमि। हम पूरा का पूरा अपने को जोड़ लेते थे कि कौन ब्रह्मांड का कौन अंश चल रहा है, कौन मन्वंतर चल रहा है, कौन युग चल रहा है, उसमें कौन सा ये कलयुग है, 28वें कलयुग का कौन सा चरण है, फिर देश का कौन हिस्सा है और उस देश का हिस्सा जो है किस तीर्थ से आवेष्टित है, कौन यहाँ की पवित्र नदी है, कौन महीना है, कौन पक्ष है, कौन सप्ताह है, कौन दिन है और आज के दिन नवग्रहों की स्थिति क्या है, घड़ी कैसा है, पल कैसा है, करण कैसा है, पंचांग की स्थिति कैसी है। और उससे जब हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता था, हम पूरा ब्रह्मांडमय हो जाते थे, तब हम अपनी बात कहते थे कि अब मैं अपने कल्याण के लिए, अपनी माँ के जो है कल्याण के लिए, पिता के कल्याण के लिए या इसके लिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये हमारा साक्ष्य होता था। इसका तो दुनिया में किसी को ज्ञान ही नहीं। भारतीयों की कालगणना मानव की विशालतम है। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वे टाइम डायलेशन की अवधारणा को जानते थे। अभी 20वीं सदी में जाकर आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षवाद के सिद्धांत में इसे लिखा है, लेकिन हजारों साल पहले लिखी घटनाओं में इसका वर्णन है। यहाँ एक नगर था कुशस्थली, राजा ककुदमी की राजधानी। उनकी कन्या अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। इतने प्रस्ताव आते थे कि समझ नहीं आया किसके साथ विवाह करे। उस समय मनुष्य में ब्रह्मलोक जैसे लोकों में जाने की सामर्थ्य थी।
कन्या को लेकर कक्कुदमी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक में संगीत की धूम मची थी। ब्रह्मा जी तल्लीन होकर सुन रहे थे। राजा को संगीत समारोह के समाप्त होने तक ठहरना पड़ गया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी हंसे और कहा कि तुमने अपने मन में जिन लोगों को अपनी बेटी के लिए सोच रखा है वे सब मर चुके हैं। न केवल वे और उनके नाती पोते बल्कि उनके गोत्रों का भी नाम सुनाई नहीं पड़ता। धरती पर काल अलग गति से बहता है। इतने से क्षणों में वहां 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। इस समय वहां बलराम रहते हैं, उन्हीं से रेवती का विवाह करो। कक्कुदमी जब धरती पर लौटे तो कुशस्थली के स्थान पर द्वारका बसी हुई मिली। कुछ समय पहले ही जिस स्थान को छोड़ा था वहां का पूरा भूदृश्य बदल चुका था। मानव विकास के कई क्रम हो चुके थे। ये महाभारत का काल था। महाभारत के लेखक महर्षि व्यास ने उस समय की तारागणों की स्थिति का वर्णन किया है। कई पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ भी महाभारत का काल लिखते हैं। आज से 1400 साल पहले ये लेख लिखा गया है। ये कहता है कि ये जैन मंदिर रवि कीर्ति ने महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बीतने के बाद बनवाया है। राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से शुरू हुआ युधिष्ठिर संवत आज भी भारत में कहीं कहीं चलता है। आर्यभट्ट के अनुसार युद्ध की तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व है। युद्ध से पहले बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने विशाल फेफड़ों में हवा भरकर भयानक रूप से विशाल शंख बजाए थे। आकाश एक भयानक ध्वनि से थर्रा गया और इस तरह एक काल चक्र में युगांत हो गया। ये शंख परिचय देता है काल चक्र के वलयों का। धरती अपने काल के वलय ऐसे ही बना रही है। वह अपने पथ पर कभी दोबारा नहीं जाती। हम सब इस माँ की गोद में बैठकर अनंत आकाश में वलय बनाते हुए नित्य नए पथ पर अग्रसर हैं। नया पथ और नया सृजन, यही काल की सच्चाई है। काल की गति एक रेखीय नहीं है जैसा कि हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है। काल चक्रीय है। हर चक्र में नया रामायण और नया महाभारत होता है, यही इतिहास है। संसार चक्र दुख है, ये क्यों बना? काम ही दुख का कारण है। अखंड चेतना में संसार रचने की कामना उत्पन्न हुई। मैं एक से अनेक हो जाऊं, चेतना का कामना वाला ये रूप ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी अपनी ही पैदा की हुई उस इच्छा के पीछे भागे। चेतना का अखंड स्वरूप आदि योगी है। आदि योगी ब्रह्मा को बाण से मारना चाहते थे, लेकिन बाण पहुंचने से पहले ही सृष्टि प्रक्रिया शुरू हो गई। उनका बाण एक क्षण को चूक गया। काल से एक क्षण की चूक हो गई और काल उत्पन्न हो गया। उस प्रारंभिक घटना के स्पंदन हमारी चेतना में आज भी देखे जा सकते हैं। आध्यात्म में इतिहास सदा वर्तमान है। हम लगातार अपनी ही पैदा की हुई इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। उनमें श्रम का बीजारोपण करके संसार पैदा कर रहे हैं। यूं तो दुख की जड़ है इच्छाएं और उनसे उत्पन्न ये संसार, लेकिन इसमें भी रस है। सृजन ने आदि योगी की आनंददायक ताल तरंगों का अनुगमन किया है। ऋग्वेद में लिखा है कि अग्नि रुद्र है। आदि योगी पहले तो सृजनकर्ता को बाण से मारना चाहते थे, लेकिन जब सृष्टि आरंभ हो ही गई तो उसी रुद्र ने अग्नि बनकर इस रचना की रक्षा की है। अग्नि ही संसार की चेतना है। अग्नि से ही यहाँ गति है
स्थिति है, भोग है, योग है, रस है। अंत में अग्नि ही सबको लील जाती है। प्रलय में भी ये संसार आदि योगी के तांडव नृत्य का रस प्राप्त करता है। अंत में उसी अद्वैतवादी में समा जाता है। पूर्ण प्रलय और कुछ नहीं, उन्हीं की समाधि है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। समाधिस्त शिव हजारों वर्षों से भारत में योग का परिचय देते रहे हैं। उनके साथ दिखाए गए ये चिन्ह योग का सार बतला देते हैं। शिव हमारी शुद्ध निर्लिप्त चेतना है। योग के दर्शन सांख्य की ये प्रधान प्रकृति है। हिमालय की कंदराओं में आत्मरमण करने वाले योगी के इस चित्र से आज का मानव कुछ भी नहीं सीख पाएगा। आज के मानव की प्रेरणा का योग चित्र कुछ ऐसा है। स्वास्थ्य की भौतिक धारणा ने हमें आत्मज्ञान के रसास्वादन के प्रति निरक्षर बना दिया है। आनंद का मतलब आज है भोग। अमेरिका आज एक संपन्न भोग भूमि है। कभी भारत भी ऐसा ही था। शायद अमेरिका से भी आगे बढ़कर प्राचीन भारत ने इंद्रिय रस की पराकाष्ठा को छुआ था। आज विपन्न दिखने वाला ये देश कभी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। पश्चिम के विद्वानों ने भारत के धनी होने की बात आर्थिक मापदंडों के आधार पर कही है, लेकिन भारतीयों ने अर्थ को भौतिक संपदा नहीं पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ की संतृप्ति से पैदा हुआ वैराग ही सबसे बड़ा धन है, और वैराग के अतिरेक में आत्मस्थ हो जाना ही योग है, सर्वोत्तम शक्ति है। शक्तिशाली भारत ने भयंकर विप्लव में भी अपने स्वरूप को मिटने नहीं दिया, जबकि न जाने कितने देश काल चक्र के भंवर में हमेशा के लिए विलीन हो गए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक समाना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक समाना।